हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने पेपर शीट पर फेस ड्रॉ कर रखा है, हैंड ड्रॉ कर रखा है, क्लोथ्स भी ड्रॉ कर रखे हैं और हमारी ड्राइंग में सिर्फ हेयर ड्रॉ करने बाकी रह गए हैं। सो इस वीडियो में हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करेंगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी शार्प हाईलाइट्स के लिए मैकेनो इरेजर या फिर इरेजर पेंसिल नहीं होता। सो ऐसे में हम कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो ये है रिफरेंस फोटो और इसके अकॉर्डिंग हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करेंगे और आप देख सकते हो काफ़ी डार्क हेयर हैं। और अगर आपको इस वीडियो के पहले वाले पार्ट्स को देखना है तो उसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। हेयर को ड्रॉ करते टाइम हमारी ड्रॉइंग ख़राब ना हो, इसके लिए हैंड सपोर्ट के लिए मैं टिशू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड हेयर में शेडिंग की फर्स्ट लेयर के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा और काफ़ी लाइट प्रेशर के साथ हमें शेडिंग करनी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेंस में कि काफ़ी डीपली डार्क एरियाज हैं हेयर के लिए। सो यहाँ पर मैं नॉर्मली शेडिंग कर रहा हूँ हेयर के लिए। एंड हेयर में जहाँ पर भी विदाउट हाईलाइट वाले डार्क एरियाज हैं वहाँ पर मैं नॉर्मल शेडिंग ही ड्रॉ करूँगा। वीडियो में ड्रॉ करने की स्पीड को मैंने थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है ताकि आप इजीली समझ पाओ ड्रॉइंग स्टेप्स को। एंड वीडियो में जहाँ पर भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है उसके लिए मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बहुत कम कर दी है। शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ड्रॉ करते टाइम भी हमें हेयर में लाइट और डार्क वैल्यूज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, हमें कंप्लीट हेयर में नॉर्मल शेडिंग ड्रॉ नहीं करना है। रिफ्रेंस में डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही हमें शेडिंग ड्रॉ करनी है, तभी हम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने अभी नॉर्मल शेडिंग ड्रॉ की थी और अभी मैं स्ट्रोक्स में शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप रिफ्रेंस में देख सकते हो थोड़े बहुत हाईलाइट्स हैं। सो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं अभी शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड जहाँ पर भी हेयर में हाईलाइट्स हैं उनको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। एंड उनके आउटसाइड हमें हेयर को स्ट्रोक्स में ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिकली ड्रॉ करना है तो रिफ्रेंस से जो भी हाईलाइट्स हैं डिटेल्स हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करो। शेडिंग की चाहे फर्स्ट लेयर हो सेकेंड लेयर हो, हमें सारी डिटेल्स को अच्छे से ड्रॉ करना है। अभी जैसे हम हेयर को स्ट्रोक्स में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, हमें बार बार शार्प करते रहना है हेयर को ड्रॉ करते टाइम, बिकॉज जितना ज़्यादा शार्प हमारी पेंसिल होगी हम हेयर को उतना ही बारीकी से ड्रॉ कर पाएंगे। हमें रिफ्रेंस फोटो के अकॉर्डिंग हेयर डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें हेयर स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है, और बस इसी तरह से हेयर की डायरेक्शन देखते हुए हमें कंप्लीट हेयर के लिए शेडिंग ड्रॉ कर लेनी है। अभी आप लोग देख सकते हो कि हेयर में जो डिटेल्स हैं हाईलाइट्स हैं वो अच्छे से नज़र आ रही हैं, बस जो डार्कनेस है वो थोड़ी बहुत कम है, बिकॉज ये शेडिंग की फर्स्ट लेयर ही है जो कि हमने 2B पेंसिल से ड्रॉ की है। हेड पर अपर हेयर को हमने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है और अभी मैं रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग बाकी बचे हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी छोटे हेयर हैं जिनको मैं रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। साइड के इन हेयर को ड्रॉ करते टाइम हमें पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल बिल्कुल लाइट ही अप्लाई करना है। हेयर में शेडिंग की फर्स्ट लेयर कंप्लीट होते ही हमें इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए मैं सॉफ्ट मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ एंड ब्लेंडिंग की शुरुआत जहाँ पर सबसे छोटे हेयर हैं वहाँ से कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये वाला पार्ट सबसे लाइट होने वाला है। ब्लेंडिंग के लिए अगर आपके पास सॉफ्ट मेकअप ब्रश नहीं है तो आप दूसरे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा सॉफ्ट मेकअप ब्रश के रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हो कि मैं हेयर के लिए कितने ज़्यादा स्मूथनेस के साथ ब्लेंड कर पा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर भी मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ होते जा रहे हैं। एंड हेयर में ब्लेंडिंग भी हमें हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करनी है। अभी हमें हेयर में नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स को ड्रॉ करना है। सो नीडेबल इरेजर के शेप को हमें कुछ इस तरह से कर लेना है। सो अगर आपके पास हेयर में शार्प हाइलाइट्स के लिए कोई भी मैकेनो इरेजर या इरेजर पेंसिल नहीं है तो आप इस टूल का इस तरह से यूज़ कर सकते हो। नीडेबल इरेजर फेस शेडिंग में हाइलाइट्स के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है और इसके अलावा आप हेयर में हाइलाइट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हमने शेडिंग की फर्स्ट लेयर में जिन हाइलाइट्स को ड्रॉ किया था वो ब्लेंडिंग के दौरान सारे ब्लेंड हो गए थे और बस उन सभी ब्लेंड हुए हाइलाइट्स को हमें नीडेबल इरेजर की हेल्प से फिर से हाइलाइट करना है। जब हम पेंसिल पर लाइट प्रेशर कंट्रोल के साथ शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ड्रॉ करते हैं तो हम इजीली इन हाइलाइट्स को इरेज कर पाते हैं। नीडेबल इरेजर काफ़ी सॉफ्ट होता है, सो इसकी शेप बार बार चेंज हो रही है और इसकी शेप को मैं बार बार सही करके हाइलाइट्स में इरेज कर रहा हूँ और बस इसी तरह से हमें कंप्लीट हेयर के लिए हाइलाइट्स को ड्रॉ कर लेना है। हेयर में हाइलाइट्स कंप्लीट होते ही मैं 8B पेंसिल से शेडिंग की सेकंड लेयर को अभी ड्रॉ करूंगा। रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग हेयर की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, सो इसके लिए मैं शेडिंग की सेकंड लेयर के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूं। और हेयर में जहां पर भी सबसे डार्क हेयर हैं, जहां पर बिल्कुल भी हाईलाइट्स नहीं है, उन्हीं एरियाज में मैं सबसे पहले शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूं।
और यहाँ पर मैं नॉर्मल शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल भी हाईलाइट्स नहीं है। और शेडिंग की सेकंड लेयर के लिए भी मैं पेंसिल पर बहुत ही लाइट प्रेशर कंट्रोल अप्लाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आपको इससे भी डार्क शेडिंग ड्रॉ करनी है तो आप 8B की जगह 10B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको लाइट शेडिंग ड्रॉ करनी है तो आप 6B या 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमें हेयर में हाइलाइट्स के लिए शेडिंग को ड्रॉ करना है, एंड हेयर में हाइलाइट्स के लिए हमें स्ट्रोक्स में शेडिंग ड्रॉ करनी है। स्ट्रोक्स में शेडिंग ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल लाइट ही रखना है, एंड इसके अलावा हमें अपनी पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है बिकॉज इसी से हमें शेडिंग के बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हमने 2B पेंसिल के साथ शेडिंग को ड्रॉ किया था हाइलाइट्स के लिए, सेम वे में हमें 8B पेंसिल से भी ड्रॉ कर लेना है। आप रिफ्रेंस में हाईलाइट वाले हेयर को देखिए, इसके ऊपर भी डार्क हेयर हैं एंड नीचे भी डार्क हेयर हैं, बट जो बीच वाले हेयर हैं वो अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, वाइट वाइट अलग से नज़र आ रहे हैं। सो हमें भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। हेयर में हाईलाइट्स के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है, एंड ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है, एंड जो बीच वाले पार्ट्स हैं जहाँ पर भी हेयर हाईलाइट हो रहे हैं या फिर वाइट एरियाज हैं, वहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट प्रेशर कंट्रोल के साथ पेंसिल स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है। और हेयर में जहाँ जहाँ पर भी हाइलाइट्स हैं हमें उनको बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है। और अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं हेयर को ड्रॉ करते चल रहा हूँ, हेयर में जो हाइलाइट्स हैं वो अलग से नजर आ रहे हैं। अभी मैंने 8B से अपर हेयर को कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है, और अभी मैं साइड के हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड जिस तरह से हमने 2B से ड्रॉ किया था सेम वे में मैं 8B पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। और इन हेयर को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बिकॉज मुझे रिफ्रेंस से एक एक हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए एक एक हेयर को अलग से ड्रॉ करना पड़ रहा है। और अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि सभी हेयर अलग अलग नज़र आ रहे हैं बिकॉज हमने इनको रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग इसी तरह से ड्रॉ किया है। और अभी थोड़े और छोटे हेयर हैं और इनकी डार्कनेस भी थोड़ी कम है, जिनके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और इन हेयर को भी हमें इसी तरह से एक एक अलग अलग हेयर को ड्रॉ करना है, साथ ही पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल तो लाइट ही रखना है। आई थिंक अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं HB पेंसिल से और बाकी बचे हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी लाइट हेयर हैं, और इन हेयर को भी हमें बहुत ही बारीकी से ड्रॉ करना है। और अभी मैं HB पेंसिल से हेयर में जो भी एक्स्ट्रा डिटेल हैं, बारीक हेयर हैं, लाइट हेयर हैं, उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे तो ये लाइट हेयर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बट इन छोटी छोटी डिटेल्स को कम्प्लीट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन हेयर को ड्रॉ करने से हमारी ड्रॉइंग और भी बढ़िया लगने लगती है। HB पेंसिल से मैं हाइलाइट्स में भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड अभी हमारी ड्रॉइंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। हेयर ड्रॉ करते ही हमारी ड्रॉइंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना है, और हेयर के आप कंप्लीट रिजल्ट्स अभी आप देख सकते हो रिफ्रेंस फोटो के अकॉर्डिंग कि हेयर में डार्क वैल्यूज़ किस तरह से हैं एंड लाइट वैल्यूज़ एंड डिटेल्स किस तरह से हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रॉइंग कैसी लगी। सो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स एक और न्यू ड्रॉइंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।